दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है तरमपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते। हमारे पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाज डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुन पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को, यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सपना करता पूरक। मैं जादूगर से पूछूंगा, जादूगर तुम खाते क्या? खाने के बारे में पूछेगा, जादू के बारे में नहीं पूछेगा। वेरी बैड पेट राम बुखड़। अरे उनका काम अलग होता है, उनका खाना भी अलग ही होता होगा ना? अरे काम अलग नहीं होता, करने वाला अलग होता है। रोहन मैं भी अलग तरीके का जादू दिखा सकता हूँ। रहने दे पिद्दी, तुझसे कुछ नहीं होगा। डोंट एंग्री मी। ये बस पॉकेट मनी है? हाँ है। दे एक मिनट, ये ले। हाथ बंद कर। ले दे अब खोल। देख तेरी पॉकेट मनी मेरे जेब में आ गई ना। अच्छा तो मुझे भी एक जादू आता है। ओए अमन इधर है, आग बंद कर। तुम ऐसे आग तो बंद कर। ये ले ये दिखा। अरे बच्चे की जान लेगा क्या? अरे तुम तो सच में जादूगर बन गया, मेरी पॉकेट मनी कहाँ है? हैं? वो जादू नहीं था, वो मैंने पैसे बेच दिए थे, गिरा दिए थे। बुक्कर जादू ऐसे थोड़ी ना होता है। बंदरिया एक तो खुद की बर्थडे पार्टी रविंदर के घर में रख दी और हमें ही सिखा रही है कि जादू कैसे करते हैं। बुखड़ अगर तू रविंदर का दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाती। साइलेंट हो जा जेमी, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अब मैं तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगा। अगर मेरा भाई नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। चल चलते हम लोग। अब क्या करूं? अम्मा को बताती हूँ। पट्टा चपराला, प्लान समझ गए ना हमारा? सारा का सारा प्लान समझ गए। फिकर नॉट, जादूगरों की दुनिया में सारे जादूगर इस गिली गिली अप्पा को अपना उस्ताद मानते हैं। हम जो भी कहते हैं वो सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा। हम तुमको सब समझा देंगे और पार्टी में इस तरह भी कर देंगे। बड़ी काम काम तुमको बढ़िया पैसा देंगे। हाँ अच्छा तो हम चलते हैं और मिलते हैं पार्टी में। ब्रेक के बाद आनंद लेंगे पार्टी में। तो अब मिलते हैं रविंदर सदन में। हाँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ये काई गला पाड़ रही हो? रोहन और अमन ने कहा कि उन लोग पार्टी में नहीं आएंगे। अरे अरे क्या कर बैठी, सारे किए दरे पे पानी फेर दिया। अब अगर रोहन और अमन नहीं आएगा तो रविंदर भी नहीं आएगा, वो दोनों पक्के दोस्त है। हाँ हम तो मजाक कर रहे थे। तुम्हारा मजाक हम पे बहुत ही भारी पड़ेगा। हाँ अब जाके अमृता और पापा जी से बात करनी पड़ेगी, सारा मामला सुलझाना पड़ेगा। अरे अरे अपनी जबान बंद रखा करो, हमसे पूछे बिना खोला मत करो अपनी जबान, समझे कि नहीं? अब चलो यहाँ से।
चलो चलो और गरम परौंठे आ गए। ओए खा क्यों नहीं लिया है, एक और परौंठा दवा गरम गरम। नहीं कोई गलते है, अपनी मम्मी नु नहीं दसेगा पोलू राम। मम्मी जैमी ने क्यों मेरे बेस्ट फ्रेंड रोहन और रमन से लड़ाई की, इसलिए मैं भी जैमी की पार्टी में नहीं आऊंगा। ये गल है, रोहन उस केक को नहीं खाएगा जिसे जैमी काटेगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे ये अमृता बहन, ये बच्चे भी कितने नादान हैं, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। जैमी से सारी लड़ाई सुनने के बाद ना इको समझा कर लाए हैं, इना सब बच्चों को सॉरी बोलने आई है। हाँ सॉरी अमन, सॉरी रोहन। चलो पुत्र अब तुम भी जैमी को माफ कर दो। हाँ माफी मांग ली ना उसने, खोते हो दोस्तों में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, ऐसे मुंह नहीं फुलाते। मांग ली ना माफी उसने, चलो 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 सुलह करो। मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी। तो मेरी भी नहीं सुनेगा तू? आपकी तो मैं सुन लूंगा। जैमी माफ कर दिया, तू भी माफ कर ले। ठीक है माफ कर दिया, अगर इस बंदरिया ने अभी कुछ किया ना तो। शांत रह भाई, शांत। नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे अमृता बहन अब ना सब कुछ ठीक हुई गवाह है, तो आप एक काम कीजिए, आप बहुत ही बढ़िया इंतजाम कीजिएगा। वो क्या है ना, तीनों सबकी बहुत ही इज्जत है ना, और पापा जी की भी। अगर कुछ समझ नहीं ना है ना तो हमको बुलावा भिजवा देना, अब हम जाके ना और काम देख लेते हैं। हाँ ओए रोहन पुत्र, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। कोई खाने की चीज है क्या? ओए मेरे को गर्दीन, पहले खोल के तो देख ले। जब देखो सारा दिन खाना 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 खाना, जैसे बिल्ली को सारा दिन चूहे के सपने, ऐसे तुझे सारा दिन खाने के सपने। खोल के देख। वाओ नया वॉकमैन। और तू कितने दिनों से बोल रहा था ना कि पापा जी मुझे वॉकमैन ला दो, मुझे वॉकमैन ला दो, तो आज मैंने अपने दोस्त को बोल के शहर से मंगवाया तेरे लिए, समझा? मेरे पापा जी सबसे अच्छे हैं। ओए वो तो है, एक गल ध्यान नाल सुन ले, इसको खराब मत कर दियो अभी, समझा? मैं मुझे भी सुनने देना। अरे अभी नहीं, जब मेरा पेट भर जाएगा तब मैं तुझे दे दूंगा। रोहन अगर तू काम से नहीं निकालेगा तो जादूगर की बातें कैसे सुनेगा? रोहन क्यों सुनेगा, वो तो खाली सिर्फ रविंदर के लिए है। मैंने क्यों भूल दिया? स्यापा पुत्र की क्या तू, जादूगर सिर्फ मेरे रविंदर लिए आ रहे हैं? वीर जी मंजू ने बर्थडे में जादूगर बुलाया, कोई गलती जरूर है, वो भी सिर्फ मेरे रविंदर लिए। फफे कुटनी। संजय जी ये बड़ी मंजू और छोटी मंजू दोनों को समझना ना मेरे बस के तो बाहर है।